हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हैशटैग मैंने बना दिया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो क्वेश्चन नंबर 5 की, तो उसी की तरह है क्वेश्चन नंबर 6। बस क्या डिफरेंस है कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमें मल्टीप्लाई करनी थी और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में डिवाइड करना है। तो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड। हमें जो ये पार्ट्स गिविन है, 6 पार्ट गिविन है, यहाँ पर मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नोट किए हुए हैं। कह रहे हैं जैसे फर्स्ट पार्ट में 252 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं इसे किस स्मॉलेस्ट होल नंबर से डिवाइड करूं। तो डिवाइड करके जो आंसर आएगा, कह रहे हैं कि ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, फिर उस नंबर का हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो देखो किससे हम डिवाइड करेंगे, ये फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले 252 का एलसीएम लेना होगा। तो हम 252 का एलसीएम निकालते हैं। तो देखो एलसीएम कैसे लेंगे, अगर हमारा इवन नंबर पे हमारा नंबर एंड हो रहा है, जैसे कि यहाँ 2 है, तो वो 2 से ही डिवाइड होगा हमेशा, इवन नंबर। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 126, इवन नंबर पे एंड हुआ, 2 से डिवाइड करेंगे 63। अब ये ओड नंबर आ रहा है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको डिवाइड करेंगे 3 से, 21। 3 से डिवाइड करेंगे 7, और 7 किससे डिवाइड होगा, 7 से, कितना आ गया 1। तो देखो पेयर चेक करते हैं, 2 का भी पेयर बन रहा है 3 का भी, बट यहाँ किसका पेयर नहीं है, 7 का पेयर नहीं है। तो जिसका पेयर नहीं बनेगा हम उसी से डिवाइड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 252 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 7, 7 से डिवाइड करेंगे टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अब हमारा ये यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो ये जो 7 आया है इसको आप मार्क कर देना। एक आंसर तो हमारा ये हो गया है। अब देखो 252 को हम फैक्टर्स में लिख लेंगे। तो क्या क्या फैक्टर्स थे, 2 × 2 × 3 × 3 × 7। अब ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 7 से। जैसे ही हमने यहाँ पर ये 7 से डिवाइड करा, तो राइट हैंड साइड भी 7 से डिवाइड करेंगे। और क्या कह रहे थे कि इसका क्या निकालना है आपको, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हम यहाँ पर लगा देंगे। तो देखो 252 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 36, अंडर रूट एज इट इज। यहाँ पर देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया। कैंसिल होके क्या हुआ फ्रेंड्स, कि अब हमारे पास 2 × 2 है, दोनों 2 में से 1 2 और 2 3 बचे, तो 1 3 रूट से बाहर। तो इससे क्या हुआ, देखो अब हमारे पेयर्स बन गए ना, अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, इसलिए हमने यहाँ पर 7 से डिवाइड करा था। तो अब 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो अंडर रूट 36 का आंसर कितना हुआ, 6। तो ये था, क्लियर। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट सेकंड पार्ट। क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो 2925 का एलसीएम निकालते हैं, लास्ट में ओड नंबर आ रहा है और 5 है, ठीक है। तो पहले सम करके हम 3 से चेक कर लेते हैं डिवाइड होगा क्या। 2 और 9 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। तो इसका मतलब ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 975। अब फिर से ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 325 आएगा। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से करेंगे कितना आया, 65। 65 किससे डिवाइड होगा, 5 से, 13। 13 किससे डिवाइड होगा, 13 से। तो कितना आ गया, 1। अब देखो इसका भी पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है, बट 13 का कोई पेयर नहीं है। तो क्या लिख देंगे, 2925 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 13 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें 13 से ये डिवाइड करना है। ओके, तो कैसे लिख लेंगे, यहां पर एक तो इसको मार्क करना, और 2925 को 13 से डिवाइड कर रहे हैं, इधर इसके सारे फैक्टर्स लिख देंगे और इसको भी 13 से डिवाइड कर देंगे। स्क्वायर रूट निकालना है तो यहाँ स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब देखो
यहां पर जो 2925 है इसको हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 225 आएगा। 13 से 13 कैंसिल, दोनों 3 में से एक 3 बाहर, दोनों 5 में से एक 5 बाहर, और इधर का स्क्वायर रूट एज इट इज। इधर स्क्वायर रूट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जब पेयर में से एक नंबर को बाहर निकालते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाता है। तो कितना आया, अंडर रूट 225 इज इक्वल्स टू 3 5s are 15। दिस इज द आंसर। क्लियर? नाउ स्टार्ट नेक्स्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में 396 इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा 198, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 99, 3 से डिवाइड हो जाएगा 33, 3 से डिवाइड हो जाएगा 11, और 11 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो देखो 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, बट 11 का पेयर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 396 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 11, तो 11 से डिवाइड करना पड़ेगा टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ओके तो किस तरह से लिखेंगे, ये का आंसर ये हो गया। 396 के फैक्टर्स लिख दो सारे, 2 × 2 × 3 × 3 × 11, 11 से डिवाइड करेंगे, इधर भी 11 और इधर भी 11, स्क्वायर रूट निकालना है तो ये स्क्वायर रूट लगा दिया है। 396 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 36, और 11 से 11 कैंसिल हुआ, 2 2 में से एक 2 बाहर, 2 3 में से एक 3 बाहर, तो कितना आया √36 इज इक्वल्स टू 2 × 3 6। दिस इज द आंसर। ओके नाउ स्टार्ट नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। 2645 गिवन है हमें, एलसीएम लेंगे इसका हम, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, ये डायरेक्ट 5 से डिवाइड होगा, 529। अब देखो 529 हमारा डिवाइड होता है 23 से, कितना आएगा 23, और 23 डिवाइड होगा 23 से, तो कितना आया 1। इसके लिए आपको टेबल्स बहुत अच्छे से आने चाहिए और साथ में डिविजिबिलिटी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो देखो अब यहाँ पर 23 का पेयर बन रहा है बट 5 का पेयर नहीं बन रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 2645 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5, जिसका भी पेयर नहीं है उसको लिख देंगे, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके तो कितना था, 2645 इज इक्वल्स टू 5 × 23 × 23, किससे डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो इधर 5 से डिवाइड करा, इधर भी 5 से डिवाइड करा, स्क्वायर रूट, और यहां पर भी स्क्वायर रूट। 2645 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 529 स्क्वायर रूट में, इधर 5 से 5 कैंसिल और 23 का पेयर है तो पेयर में से एक को बाहर लिखते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाता है, तो कितना आंसर आया इसका 23। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट नंबर फिफ्थ, 2800। तो इसका एलसीएम लेते हैं, सबसे पहले 0 आ रही है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1400, फिर 2 से करेंगे तो 700, 2 से डिवाइड करेंगे 350, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 175, अब 5 से डिवाइड होगा 35, फिर 35 5 से डिवाइड हो जाएगा 7, और 7 किससे डिवाइड होगा 7 से, तो कितना आया 1। पेयर देखते हैं, इसका भी पेयर है, इसका भी पेयर है, 5 का भी पेयर है, किसका पेयर नहीं है यहाँ पर हमारे पास, 7 का पेयर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 2800 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 7 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके तो देखो 2800 किसके इक्वल है, 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 7 के, किससे डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो इधर भी डिवाइड करेंगे और इधर भी, स्क्वायर रूट निकालना है तो इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट,
ये सेवन से सेवन कैंसिल, 2800 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 400, और इधर दोनों 2 में से, इन दोनों में से एक 2, इन दोनों 2 में से एक 2, और इन दोनों 5 में से एक 5, 2 2s are 4, 4 5s are 20, तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज इक्वल्स टू 20, दिस इज द आंसर। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, 1620 है, 1620 का एलसीएम लेंगे, 2 से डिवाइड होगा, 2 8s are 2 1s are 0, फिर 2 से डिवाइड होगा 405, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा 3 से हो जाएगा तो 135, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 45, फिर 3 से डिवाइड होगा 15, 3 से डिवाइड करेंगे 5s are 15, और 5 किससे डिवाइड होगा 5 से, तो पेयर चेक करते हैं, 2 का भी है, 3 का भी है, 3 का भी है और 5 का नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, 1620 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1620, क्या क्या फैक्टर्स हैं, 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3 into 5, तो डिवाइड किससे कर रहे हैं 5 से, तो दोनों साइड 5 से डिवाइड करेंगे, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट, 1620 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 324, स्क्वायर रूट, 5 से 5 कैंसिल हो गया है, 2 2s are 4, 2 में से एक बाहर लिखेंगे 2, इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर, इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर, तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, 2 3s are 6, 6 3s are 18, दिस इज द आंसर। क्लियर, आई होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ आया होगा, प्लीज शेयर योर क्वेरीज एंड फीडबैक इन कमेंट सेक्शन, थैंक यू।